सो गाइस, थोर द गॉड ऑफ थंडर के पिछले एपिसोड में हम देख चुके थे कि पास्ट का यंग थोर गॉड बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करने के लिए अकेला ही निकल चुका था, लेकिन यंग थोर की ये कोशिश भी बेकार हो गई क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद भी गॉड बॉम्ब को एक खरोच भी नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट और फ्यूचर के दोनों थोर गौर के प्लेनेट के पास पहुंच चुके थे, पर इससे पहले वो दोनों गौर पर हमला करते यंग थोर उनकी शिप पर चढ़ाया था और बस इसी के बाद असली मुकाबला शुरू होता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के तीनों थोर एक साथ गौर पर हमला कर देते हैं, लेकिन क्या उन तीनों थंडर गॉड्स की कंबाइंड पावर भी गौर के सामने टिक पाएगी, आज के इस एपिसोड में हम यही देखेंगे। पर अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसे जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पर भी वो वीडियो शो हो रही होगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो तीनों थोर्स ने गौर पर हमला कर दिया था, आसमान थंडर और हैमर्स की आवाज से गूंज रहा था, पर बेशक तीनों थोर एक साथ गौर पर टूट पड़े थे, लेकिन गौर फिर भी उन सभी पर भारी पड़ रहा था। वो कहता है, थैंक यू थंडर गॉड्स, आज ये तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात होगी कि तुम तीनों एक साथ होते हुए भी मुझे हरा नहीं पाओगे। आज तुम्हें पता चलेगा कि गौर की असली पावर क्या है। लेकिन इससे पहले गौर कुछ करता, ओल्ड किंग थोर ने कहा, 900 साल तक मैंने इस दिन का इंतजार किया, मुझे मेरे खून में फिर से थंडर महसूस हो रही है, देखते हैं गौर आज तुम मेरे सामने क्या करोगे। और फिर थोर फोर्स का एक थंडर ब्लास्ट और गौर लाइट ईयर्स अवे जा गिरता है। ऑल फादर ने एक ऐसी पावर के साथ हमला किया था कि गौर को पहली बार इतना डर महसूस हुआ था। डर के मारे गौर उन पर टूटे हुए मून के टुकड़ों को फेंकने लगा। उसने कहा, मुझे और पावर चाहिए, मतलब और खून, सभी गॉड्स को मार दो। तो पीछे से गौर के गार्ड डॉग्स प्लेनेट पर मौजूद हर गॉड स्लेव को मारने लगे और हर एक गॉड के मरते ही गौर और पावरफुल हो जाता। पता नहीं ये कैसे हो रहा था क्योंकि किसी को भी गौर के इस वेपन की हिस्ट्री पता ही नहीं थी। कुछ का कहना था कि गौर का ये वेपन खुद एल्डर गॉड्स ने बनाया था ताकि वो यूनिवर्स की क्रिएशन के टाइम लाइफ को बना सके, पर कुछ ये कहते थे कि ये वेपन सभी गॉड्स के अंदर मौजूद डार्कनेस की एक फॉर्म थी और जो कोई भी इसे वील्ड करेगा वो यूनिवर्स में सबसे पावरफुल गॉड बन जाएगा। लेकिन कहानी कुछ भी हो, पर यह बात पक्की थी कि गौर के इस वेपन ने पहले भी कई बिलियन गॉड्स को मारा था और इसी वजह से हर एक गॉड के मरने के बाद ये वेपन और पावरफुल हो जाता और इसकी पावर इसी तरह बढ़ती रहेगी जब तक कि पूरा यूनिवर्स खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन अब उन सभी कहानियों में ये दिन भी जुड़ जाएगा कि कभी गौर ने इस वेपन को यूज करके सभी गॉड्स को मार दिया था। तीनों थंडर गॉड्स को प्लेनेट पर मरते हुए हर एक गॉड की चीख सुनाई दे रही थी। ओल्ड किंग थोर ने कहा, गौर सभी स्लेव्स को मार रहा है, उसे पता है कि अब वो मुश्किल में है और गॉड ब्लड ही उसे हमसे ज्यादा पावरफुल बना सकता है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा लड़के। लेकिन इससे पहले दोनों थोर कुछ करते, गौर के ब्लैक वेपन से बने सर्पेंट ने उन दोनों को खा लिया। बेसिकली गाइस, खाया नहीं, पकड़ लिया। गौर ने कहा, थोर मुझे महसूस हो रहा है कि तुम हार रहे हो। लेकिन पीछे से पास्ट के यंग थोर ने कहा, तो गौर तू कौन सा बच जाएगा, अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई चेंज और कोई गार्ड डॉग नहीं आएगा, अब बस तुम, मैं और मेरा हैमर होगा जिससे आज मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर थोर ने अपने हैमर से गौर को इतनी जोर से मारा कि स्पेस में एक पोर्टल ही खुल गया। थोर ने कहा, गौर अब तू अपने गॉड्स को याद करना शुरू कर दे, क्या पता वो तुझे बचा लें, पर तुम्हारा तो कोई गॉड है ही नहीं तो तू किसको याद करेगा, पर चल तू मुझे याद कर सकता है लेकिन मैं तेरी प्रेयर्स का कोई जवाब नहीं दूंगा। उधर बाकी के दोनों थोर गौर के बनाए हुए सरफेंड में फंसे थे। प्रेजेंट थोर ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, गौर को हम इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। तो ओल्ड किंग थोर ने कहा, लड़के मैं ऑल फादर हूँ, तुम जाओ, लॉर्ड ऑफ एसगार्ड इस सरफेंड को संभाल लेगा। फिर म्योनिर गौर की तरफ इतनी तेजी से उड़ने लगा कि थोर भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था, इतनी फास्ट कि एस्ट्रॉइड्स तो म्योनिर की आवाज से ही टूट जा रहे थे। थोर जानता था कि उसे किसी भी कीमत पर रुकना नहीं है, चाहे फिर उसका खुद का पास्ट ही क्यों ना मर रहा हो। लेकिन जब प्रेजेंट टाइम का थोर गौर के सामने पहुंचा तो गौर ने उस पर तभी हमला कर दिया। दोनों वेपन्स की पावर इतनी ज्यादा थी कि म्योनिर जैसे ही गौर के वेपन से टकराता थोर की हड्डियां वैसे ही टूट जाती। लेकिन थोर रुक नहीं सकता था, वो बार बार गौर पर पहले से भी ज्यादा जोर से हमला करना शुरू कर देता। लेकिन थोर जितना घायल होता गया उतना ही गौर का वेपन उसके अंदर जाने लगा। गौर का वेपन अब थोर को अंदर से ही खाने लगा था, पर थोर ने ठान लिया था कि वो गौर को हरा के ही रहेगा,
चाहे इसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। थोर अपने हर एक दर्द को इग्नोर करता गया। अब खुद थोर की चीखें दुनिया को डरा रही थीं, लेकिन थोर फिर भी लड़ता रहा। पर जब थोर ने अपने सामने देखा कि एक प्लेनेट अपने लोगों के साथ डिस्ट्रॉय होने जा रहा है, तो वो उन सभी को बचाने के लिए निकल पड़ा। एक तरफ गौर था और दूसरी तरफ मासूम लोग, लेकिन थोर ने फिर भी उन्हें बचा लिया। अब थंडर गॉड थोर यूनिवर्स के दूसरे कोने में भी एक गॉड बन चुका था। लोग जाते हुए भी उसकी पूजा करने लगे, पर गौर भी ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। और उसी वक्त वो समझ गया कि क्यों मोर्टल्स गॉड्स के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आज उसने देखा था कि एक गॉड भी मोर्टल्स के लिए मरने के लिए तैयार था। उधर दूसरी तरफ ओल्ड किंग थोर ने अपने माइटी हैमर म्योनिर से उस सर्पेंट को हरा दिया, लेकिन किंग थोर जानता था कि ये तो बस एक शुरुआत है। तीनों थोर अब यूनिवर्स को गौर से बचाने के लिए फिर से एक साथ हो चुके थे, लेकिन जैसा ओल्ड किंग थोर ने कहा था कि ये अभी एक शुरुआत है, वो सच निकला। गौर भी अपनी पूरी पावर दिखाना शुरू कर देता है। वो बिल्कुल एक डीमन की तरह लग रहा था, लेकिन इससे पहले गौर कुछ करता, तीनों थोर्स ने मिलकर गौर को सूरज में फेंक दिया और वो भी उसी के साथ चले गए। अब मोर्टल्स के मरने के बाद उन्हें गाइड करने के लिए कोई भी लाइट नहीं बची थी। मिमिर की वेल का पवित्र पानी कड़वा और लाल हो गया। एसगार्ड का वर्ल्ड ट्री जड़ से उखड़ गया। सभी पुराने गॉड्स के स्टैचूज रोने लगे और सूरज काला पड़ गया। ये दुनिया का अंत था, क्योंकि फ्यूचर के हर एक गॉड की हिम्मत टूट चुकी थी। गौर के प्लेनेट पर बहुत से गॉड्स मारे गए। फिर ठंड के साथ बारिश हुई, वो भी गॉड ब्लड की। फिर आसमान से तीन हैमर्स गिरे और पता नहीं तीनों थोर्स का क्या हुआ था, लेकिन गौर अभी भी जिंदा था। वो खड़ा हुआ और उसने कहा, बॉम्ब को तैयार करो। पर वहीं तीनों थोर भी अभी मरे नहीं थे, पर वो सभी अलग हो चुके थे। ऑल फादर ओल्ड किंग थोर एक कॉमेट के साथ डीप स्पेस में चला गया। प्रेजेंट टाइम का थोर गौर के प्लेनेट पर एक लावा और ब्लैक पावर से बनी एक खाई में जा गिरा, जहां से वो कभी भी नहीं निकल सकता था। वहीं हैमर्स को कैद कर लिया गया ताकि वो उड़ न सके, और यंग थोर वो गौर के हाथों में था। गौर उसे घसीटते हुए सीधे गॉड बॉम्ब के पास लेकर जा रहा था ताकि वो थोर को मार सके और बॉम्ब को एक्टिवेट कर सके, लेकिन फिर तभी गौर की वाइफ उसे आवाज लगाती है, गौर क्या तुम ठीक हो? मैंने देखा उन गॉड्स ने तुम पर हमला किया था। और फिर उसके बाद आसमान ठंड और लाइटनिंग के साथ चमकने लगा और स्लेव्स, हाँ वो सभी रो रहे थे। गौर ने कहा, वापिस जाओ हनी, ये सब अब जल्दी ही खत्म हो जाएगा, गॉड बॉम्ब अब ब्लास्ट होने ही वाला है। तो उसकी वाइफ ने कहा, मैंने इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है गौर, मुझे पता था तुम ये कर लोगे, और तुम्हें पता है तुम अकेले ऐसे हो जिसकी वर्शिप होनी चाहिए, तुम मेरे गॉड हो गौर। और गाइस बस गौर ये वर्ड सुनते ही रुक जाता है। उसने कहा, क्या कहा तुमने? मैं एक गॉड हूँ? मैं कोई गॉड नहीं हूँ। और गाइस फिर गौर अपनी ही वाइफ को मार देता है। उधर पीछे से तभी गौर का बेटा भी आ गया। उसने कहा, फादर क्या मैंने सही सुना? आप गॉड बॉम्ब को ट्रिगर करने जा रहे हैं? पर माँ कहाँ है फादर? उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलने आ रही है। गौर ने कहा, बेटे उसे कैसल में ढूंढो, क्या पता अभी वो वहाँ ही हो। और तुम जाओ, अभी मुझे बहुत से गॉड्स को मारना है। तो उसके बेटे ने कहा, ठीक है फादर मैं वापिस जाता हूँ, पर आप ध्यान से उन सभी गॉड्स को मार देना फादर। तो गाइस गौर के बेटे ने उसकी माँ की डेड बॉडी देख ली थी। फिर कुछ देर बाद गौर यंग थोर को घसीटते हुए गॉड बॉम्ब के पास लेकर आ चुका था। वो कहता है, तुम्हें पता है ये बॉम्ब टाइम में हर एक गॉड को मार सकता है, जिसमें तुम्हारा बाप भी होगा थोर। अब बस मुझे एक और गॉड को मारना होगा ताकि बॉम्ब एक्टिवेट हो सके। दूसरी साइड प्रेजेंट टाइम का थोर खाई में गिरने जा रहा था कि तभी उसे गौर के बेटे ने कहा, तुम बॉम्ब के एक्टिवेट होने से पहले कभी ऊपर सरफेस पर नहीं पहुंच पाओगे, और अगर बॉम्ब एक्टिवेट हो गया तो हर गॉड मारा जाएगा। थोर ने कहा, लड़के तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये तुम्हारे मरने की जगह नहीं है। गौर के बेटे ने कहा, मैं नहीं जा सकता, जो मेरे फादर ने आज तक किया है उसे छोड़कर तो कभी नहीं जा सकता, वो एक अच्छे पिता थे, पर अब वो कुछ और बन चुके हैं, हमें उसे रोकना होगा। फिर गौर का बेटा गिरते हुए थोर को पकड़ता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि प्रेयर कैसे की जाती है, पर मैं तुमसे प्रे करता हूँ थंडर गॉड कि मेरे फादर को मार दो। और फिर गौर के बेटे ने ही थोर को बचा लिया।
उधर दूसरी तरफ म्योनिर थोर को सुनकर उड़ने ही वाला था, इसलिए वहां की जगह वाइब्रेट हो रही थी। तो फ्रिग ने कहा, लगता है ये हमारा अंत है, फिर मिलेंगी सिस्टर्स, वेलहेला में हम फिर से मिलेंगी। लेकिन फिर तभी वो नीचे गिर जाती हैं और फ्रिग ने कहा, लगता है आज हम मरेंगी नहीं। देखो वेपन्स, सभी गॉड्स उठो, आज के दिन हम गुलाम नहीं हैं, हम गॉड्स हैं। और फिर तभी दोनों म्योनिर भी उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ गौर पास्ट के यंग थोर को मारने ही वाला था, वो कहता है, थोर ऑफ एस्गार्ड, तुम्हारे हार्ट के साथ ये होली मशीन शुरू हो जाएगी। तो थोर ने कहा, अगर तुम्हें मेरे दिल की इतनी ही जरूरत है तो पहले तो तुम्हें अपनी आंख देनी होगी गौर। और फिर थोर गौर की आंख को ही मुंह से काट लेता है। गौर चिल्लाता है, ये कैसा गॉड है जो मेरी आंख को ही खा गया। पर तुम लेट हो थोर, अब ये सब खत्म हो जाएगा। थोर ने कहा, गौर ये तो बस एक आंख थी, अभी एक और बाकी है। एटली यानी थोर की ग्रैंड डॉटर उसकी एक्स को उठाई हुई थी। थोर ने कहा, लड़की अपनी एक्स लेके आओ, ये मेरी है। फिर थोर गौर के गार्ड डॉग्स पर हमला कर देता है। उधर प्रेजेंट टाइम का थोर भी वहां पहुंच गया था और साथ में ही ओल्ड किंग थोर भी। लेकिन सब लेट हो चुके थे क्योंकि गौर ने एक आखिरी गौड़ को मारकर उसके खून से बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था। अब काउंटडाउन शुरू हो चुकी थी। तीनों थोर गौर पर हमला कर देते हैं, पर गौर ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है एस्गार्डियंस, क्योंकि गौड़ बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है, अब अपनी मौत का इंतजार करो। सो गाइस, अब फाइनली गौर ने गॉड बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया है, पर बॉम्ब में ना तो कोई स्विच है ना ही कोई टर्मिनेशन कोड, तो थंडर गॉड्स उस बॉम्ब को ब्लास्ट होने से पहले कैसे रोक पाएंगे, अगले एपिसोड में हम यही देखेंगे। तो यार, अब जाने से पहले वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो, और मेरी बाकी की और भी ऑसम वीडियोस को देखना मत भूलना। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।